तो पहले समझ लीजिए प्रॉपर्टीज, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ये होता है क्वाड मतलब फोर, तो मतलब फोर साइड फिगर जो है उनकी प्रॉपर्टीज, फोर साइडेड जो फिगर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज। अब जो क्वाड्रिलेटरल में जो प्रॉपर्टीज अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा यही जो प्रॉपर्टीज हैं ये जब आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगी फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो फिगर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, देख लीजिए, पहले ट्रेपीजियम समझेंगे, पहले ट्रेपीजियम समझेंगे, फिर पैरेललोग्राम समझेंगे, रेक्टेंगल समझेंगे, रॉम्बस समझेंगे, स्क्वायर समझेंगे, और फिर ये चार्ट समझेंगे। बात समझ आए? तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, ये जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं ये आपको हेल्प करेंगी कंस्ट्रक्शंस करने में। नहीं समझ में आया मित्रों? ओके, पहले दो तीन बेसिक सी चीजें नोट कर लीजिए जो सर ने लिखी हुई है। ये जो है इनको क्या बोला जाता है, वर्टिसेस या वर्टाइसिस, जो भी आप बोलते हैं। नहीं समझ में आया? इनको बोला जाता है वर्टिसेस। ट्राइंगल में भी हमने किया था, नाम है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, नाम है वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डायगनल बोला जाता है। भाई कोई डाउट है? समझ आ गया? ओके, अब आपको स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सुनिए आराम से। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, बट अदर पेयर जो है वो नॉन पैरेलल है। नहीं समझ में आया मित्रों? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है बट जो अपोजिट है वो पैरेलल नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेपीजियम। अगर आपको याद होगा बार बार आपको समझाया गया था कि पैरेलल लाइंस का वीडियो देख लीजिए, अभी भी पैरेलल लाइंस अगर आपके क्लियर नहीं है तो फिर से पैरेललोग्राम का वीकेंड में देख लीजिए, नहीं तो चीजें समझ नहीं आएंगी। समझा? तो ट्रेपीजियम वो फिगर जिसमें कि अपोजिट अपेयर, वन पेयर मतलब ये और ये, पेयर ऑफ सॉक्स बोलते हो ना, तो पेयर ऑफ सॉक्स मतलब दो सॉक्स होती हैं उनको पेयर ऑफ सॉक्स बोलते हो, तो पेयर ऑफ साइड जो है वो क्या है? पैरेलल। श्रेया जी को डाउट? अच्छा, एक तो ट्रेपीजियम होता है और एक खास आइटम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है वो भी देख लीजिए। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इसको क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। भाई नहीं समझ में आ रहा? कोई दुख ले वेदना? ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में, बट हम इसको किस लिए कर रहे हैं? हम अभी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बट यही चैप्टर जब हम ये जब चैप्टर करेंगे, चैप्टर 14 करेंगे, तो फिर इसी लेक्चर को मैं रेफर करूंगा। बात समझ आई? ओके, फिर नोट कर लीजिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी, तो मतलब कहने का मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। मित्रों नहीं समझ में आया? जब एरो लिखे हुए हैं, जब ऐसे एरो लिखे हुए हैं, मतलब ये एक पेयर है और यहाँ ये जो है ये दूसरा पेयर है। सुखी जी, यहाँ तक कोई डाउट? ये छोटी क्लासेस में करके आ रहे हो, कभी ना कभी तो सुना ही होगा भाई, क्लास में सोए हुए तो फिर भी कई बार नींद में सुना होगा टीचर बोल रही है पैरेललोग्राम। समझ आया? तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है वो क्या होती है? इक्वल। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब ये जैसे ही कोई फिगर पैरेललोग्राम बनती है, जैसे ही कोई फिगर पैरेललोग्राम बनती है कुछ गिफ्ट्स आपके लिए खुल जाते हैं। नहीं समझ में आए मेरी बात? जो गिफ्ट्स हैं, जो बोनस पॉइंट्स हैं, वो खुल जाते हैं। खुल जाते हैं मतलब अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हो ही जाती हैं। अगर किसी ने बोला कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है, उसका मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो गई, उसका मतलब है जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होगी। नहीं समझ में आया? ये थ्योरम है, ये थ्योरम है। आई थिंक थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर कहीं पर भी आपको पैरेललोग्राम नजर आता है तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, ये आपको याद होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी हैं, और अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल है। कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर
और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर। मित्रों नहीं समझ में आया, भैया मैथ्स है, यही मैथ्स आपको 10th क्लास में भी बड़ी हेल्प करेगा, तो परेशान मत होइए। पिछले पाप जो हैं 7वीं 8वीं के भूल लगी, ये सोच के चलिए कि मैं 10th की तैयारी कर रही हूँ, मेरे 10th में 95 नंबर आएंगे 100 में से, समझे? पुराना जो हो गया वो तो हो गया, अब फोकस कीजिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, कंजक्टिव साइड्स, कंजक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिख लीजिए, एक बड़ा प्यारा वर्ड है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो आपको मिलेगा ही, लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। स्पेलिंग की चिंता मत कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, देखिए इसमें भी एक बड़ा अच्छा सा नमोनिक है, सी और एस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम ऑफ एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होता है। सुखी जी नहीं समझ में आया, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है उसको बोला जाएगा सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को याद रखने के लिए जो नमोनिक है, सी छोटा है एस बड़ा है बच्चे, तो सी जो है वो 90 डिग्री होगा, एस जो है वो 180 डिग्री होगा। भैया जहां जहां तकलीफ है रोक लेना, मंडे को आगे मत बोलना सर जी ये कैसे, नहीं समझ में आया सिमोहन जी, समझ आ गया ना? जैसे ही तकलीफ हो थांबा, उसी टाइम रोक लीजिए। अभी मैडम सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो मुझे पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही पता है कि पैरेलल लाइंस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जो कंजक्टिव पेयर ऑफ एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होता है। कंजक्टिव पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री, नहीं समझ में आया मित्रों? उसी तरह ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री, उसी तरह ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री। मित्रों नहीं समझ में आ रहा, ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी, बार बार कहता जा रहा हूं, आपको शायद होमवर्क करने से पहले लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा। दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्शंस। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? आधा आधा एक दूसरे को तोड़ते हैं, नहीं समझ में आया मित्रों? मेरी बात नहीं समझ आ रही, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये और ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, मित्रों नहीं समझ में आ रहा? बट एक बात याद रखिए साहब जी, ध्यान से सुनिए, जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, नहीं समझ में आया, बट बाइसेक्ट करते हैं। कंफ्यूजन रहेगी, याद रखिए पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बार बार कह रहा हूँ, शायद लेक्चर दोबारा से देखना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन आएगी। बाइसेक्ट बेटा दो हिस्सों में काटते हैं, बाय बाय मतलब टू, बाइसिकल मतलब दो टायर वाला साइकिल, बाइसिकल, ट्राइसिकल मतलब तीन पैरों वाला, नहीं समझ में आया? ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, जब ये चैप्टर करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। श्रेया जी फोकस यहीं पर है, घर पे पहुंच गया ये, मतलब एकदम ऐसे, मतलब कुछ ख्याल में आप खोए हुए हैं। रोम्बस देख लीजिए, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनिए, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है, अगर रोम्बस वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और रोम्बस अगर एक तरह का पैरेललोग्राम है तो रोम्बस की अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल तो होनी ही है। अरे भाई समझ नहीं आ रहा, रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का बच्चा है, अगर उसका बच्चा है तो सरनेम तो भाई सेम ही होगा ना, नहीं समझ में आया? तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की वो रोम्बस तो लेके रहेगा, नहीं समझ में आ रहा, बट इसका क्योंकि नाम रोम्बस है तो इसलिए कुछ यूनिक क्वालिटीज भी होंगी इसमें, नहीं समझ में आ रही? अब वो यूनिक चीजें क्या है वो देख लीजिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल, नहीं समझ में आया? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो थी वो इक्वल थी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होगी, सिमोन जी बोलिए, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, नहीं समझ रहा? ठीक है, उसके बाद देखिए जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा सैम जी? बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, पैरेललोग्राम में कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं हुआ था, नहीं समझ में आया? सुभान जी बोलिए, इसके बारे में बोलिए, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में सोचिए,
ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, मिल्की वे में क्या हो रहा है, एंड्रोमीडा में क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचिए, नहीं सोचना, दिमाग को पकड़ के रखिए। फिर से सुनिए, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे, करेंगे ही यार, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की जब करते हैं तो रोम्बस के भी करेंगे, बट जो डायगनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। नहीं समझ में आया, दुख क्लेश वेदना। ईच डायगनल बाइसेक्ट एंगल्स एट द वर्टिसेस, डायगनल बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, डायगनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। बहुत ज्यादा इंग्लिश में सिर्फ एक छोटी सी बात ये कही जा रही है, ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल है वो इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। नहीं समझ में आ रहा, डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, समझ जी को डाउट? उसी तरह जो डायगनल बी डी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी और डी को। नहीं समझ में आ रहा, फोकस रखिए, दिमाग को हिलने मत दीजिए, दिमाग सभी बंदर की तरह उछल उछल के कहीं और पहुंच जाता है, उसको वापस खींचिए। नहीं समझ में आया जवान जी? ओके नेक्स्ट, स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर सिमोन जी की पॉपुलर डिमांड में। देखिए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अगर स्क्वायर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, डायगनल्स बाइसेक्ट करके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम का बच्चा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है तो इसकी तो प्रॉपर्टीज होंगी, प्लस ये अपने भी कुछ गुण लेके आएगा। नहीं समझ में आया? सैम जी को डांस पसंद है, हो सकता है मम्मी डैडी को ना पसंद हो, बट जो मम्मी डैडी को पसंद है मतलब कुछ क्वालिटीज तो सैम जी लेके आई होंगी, अपने आप ही दिमाग में आई होंगी। नहीं समझ में आया? वैसे भी गुप्ता जी हैं तो इनका मैथ्स ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा जी, ये जैन साहब बैठे इनका मैथ्स भी जेनेटिकली अच्छा होता है, वो दिमाग नहीं लगाना चाहते, उनकी गलती। नहीं समझ रहा, तो किसी आप और मैं पंजाबी हैं तो हमें पल्ले नहीं पड़ता, आप समझ रहे, हमें नहीं समझ आता, तो हम लोगों को मतलब ऐसे हल चला चला के मेहनत कर करके समझ आता है, ऑटोमेटिकली नहीं समझ आता। फिर से सुनिए, यहीं तक सुनिए, स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है, अगर स्क्वायर बेटा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्वालिटी स्क्वायर में है, प्लस सुनिए ऑल द साइड्स आर इक्वल, यहां तक ही रोम्बस भी है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। रोम्बस में कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं हुआ, यहां बोल दिया कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, बेटा समझ आ, डायगनल्स डायगनल जो है वो इक्वल है, डायगनल जो है वो इक्वल है, रोम्बस जो आप कर रहे थे तो आपको किसी ने प्रॉमिस नहीं किया था। नहीं समझ में आया? रोम्बस में आपको यह बोल दिया था कि बेटा ऐसा है कि डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम में आपको बोला कि डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे, जब तक आप रोम्बस में आए तो उन्होंने बोला बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पे होंगे, अब क्या बोल रहे हैं कि डायगनल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझ में आया बेटा? पक्का? ओके आगे देख लीजिए, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टी है। नहीं समझ में आया? अरे रोम्बस, क्या नाम है इसका, रोम्बस और स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम के ही बच्चे हैं। नहीं समझ में आया? बट आपके भाई बहन है, कुछ क्वालिटीज तो पेरेंट्स की हैं, बट कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी तो हैं। नहीं समझ में आया? उसके बाद ईच डायगनल बाइसेक्ट्स एंगल एट द वर्टिसेस, ये तो पहले भी डिस्कस हुआ था जो हमने रोम्बस में किया, कि हर जो डायगनल है वो जो एंगल है, जो जैसे एंगल ए सी जो है, डायगनल ए सी जो है वो एंगल ए और सी को, और एंगल डी बी जो है वो एंगल डी और बी को बाइसेक्ट करेगा। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब स्क्वायर में, कहने का मतलब स्क्वायर में ये सारे जो एंगल हैं, शायद सुना होगा पहले या कभी ना कभी सोचा ही होगा, ये सारे एंगल जो है वो क्या होते हैं, 45 डिग्री। नहीं समझ में आया? एक और क्वाड्रिलेटरल भी होता है, मैं अब ज्यादा रायता नहीं फैलाना चाहता, एक और क्वाड्रिलेटरल भी होता है काइट, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि भाई जितने हैं उतने ही संभाल लें पहले। नहीं समझ आया? तो कौन से पर हमने क्वाड्रिलेटरल कर लिए, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम दो तरह के हमने किए, एक एक ट्रेपीजियम जनरल ट्रेपीजियम और एक हमने
पर्टिकुलर तरह का ट्रेपीजियम किया जिसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी और दूसरा जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट समझ में आया? अगर आपकी कॉन्ग्रुएंसी अच्छी है तो इसमें से काफी प्रॉपर्टीज आप डिराइव कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी अच्छी है तो चिंता मत कीजिए। समझ आया? सिमा जी आपको डाउट? नाइस। अब एक बार सर ने बड़ा अच्छा एक चार्ट बना के दिखाया। अब ये जो चार्ट है आपको इसीलिए कॉपी करने के लिए बोला गया था कि जब हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो इसमें से कुछ चीजें आपको काम करेंगी। तो क्या बोल रहे हैं कि सर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है बढ़िया। डायगोनल जो है वो इक्वल है, सिर्फ किसके इक्वल है? रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। नहीं समझ में आया? डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ये भी बात होगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किसके? सिर्फ रॉम्बस और स्क्वायर के। डायगोनल फॉर्म टू कॉन्कर्रेंट ट्रायंगल्स, नहीं समझ आया ठीक है चलेगा। डायगोनल्स फॉर्म फोर इक्वल ट्रायंगल्स, डायगोनल्स फॉर्म फोर कॉन्कर्रेंट ट्रायंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी समझ आएगा चलेगा। तो हमें जो प्रॉपर्टीज चाहिए, बेसिकली हमें जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रॉपर्टीज चाहिए मित्रों, वो हमने डिस्कस कर लेगी। नहीं समझ में आया? और आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 डिग्री होता है। याद रखिए ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल्स है वो 360 डिग्री होता है। सिमोन जी को डाउट? ठीक है, तो यही जो चैप्टर है फिर से डिटेल में करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बट इस चैप्टर ने ये जो हमने डिस्कस किया इसको लेके ये थियरम्स डिस्कस होती हैं और ये थियरम्स प्रूव की जाती हैं और फिर इसमें सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। 14 भी श्रेया जी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टू चैप्टर नंबर 14। श्रेया जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 14 बी 14 सी दो एक्सरसाइजेस हैं, फर्स्ट क्लास निकल आएंगी। नहीं समझ आया? ओके, अब इनको लेके हम चलते हैं किसकी तरफ? कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स पे। मित्रों बात समझ आ गया? ठीक है ओके।